नालछा में शिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नालछा में राम मंदिर राजवाड़ा चौक से जुलूस को प्रारंभ किया गया, जिसमें भोलेनाथ जी शेषनाग और त्रिशूल और मंदिर पर कलश को ट्राली पर सजाकर बैंड बाजों और ढोल ताशों के साथ डीजे द्वारा गांव भ्रमण कराया गया, जिसमें नगर नालछा चंदलाव तालाब के बीच में मंदिर भोलेनाथ जी का निर्माण किया गया, जिसमें प्राचीन समय में यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर था और यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें कलश की स्थापना शिवरात्रि के पर्व पर की जाएगी, जिसमें 9 दिवस में कार्यक्रम होंगे और शिवरात्रि के दिन कलश स्थापना होगी। मंदिर के ऊपर यह मंदिर निर्माण में नालछा गांव और भक्तों द्वारा राशि दी गई और सभी भक्तों के द्वारा सहयोग मिला और निर्माण कार्य हुआ और चल रहा है। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय श्री राम भैया। नालछा का यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है। चंदलाव तालाब ये चारी तरफ से पक्का बना हुआ और उसी के मध्य में बीच में यह सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और प्राचीन होने के साथ ही चमत्कारिक भी है। काफ़ी श्रद्धालुओं के यहाँ पर जो भी मनोकामना लाते हैं वो पूर्ण होती है और विगत साल 2 साल से यहाँ पर निरंतर अनवरत इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है गाँव के लोगों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, धर्मालुओं के सहयोग से और गांव के लोगों ने अपेक्षित सहयोग भी किया है। इसलिए हम ये कार्यक्रम हमारा सिद्धेश्वर भक्त मंडल मंदिर का कार्यक्रम जो निर्माण कार्य चल रहा है इसको इतनी गति से कर पाया है। शिवरात्रि पर्व आने वाला है, इसी तारतम्य में हमारा भक्त मंडल आगामी 9 दिन तक निरंतर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। उसमें आज सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है, इसके अलावा रामायण पाठ, अखंड रामायण पाठ है, ओम नमः शिवाय का 24 घंटे का अखंड जाप, स्थानीय कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति के अलावा अन्य अनेक धार्मिक कार्यक्रम विगत आगे आने वाले आगामी 9 दिनों में यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। 27, 28 और 1 तारीख को यहाँ पर विशेष बड़ी पूजा, यहाँ पर कलश स्थापन की विशेष पूजा यहाँ पर आयोजित की जाएगी और शिवरात्रि के महापर्व के अवसर पर मंदिर के शिखर पर यहाँ पर कलश चढ़ाया जाएगा। तो इसमें मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मैं धर्मालुओं से, श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वे पूरे तन मन और धन के साथ हमारे इस मंदिर के जो भी समिति है, जो भी लोग हैं, उनको अपना सहयोग प्रदान करें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। साथ ही आखिरी दिन यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।